आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फेरांटी इफेक्ट की डेरिवेशन की, यानी कि पुराने लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। अगर पूरी सीरीज़ आप पीछे से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो लाइन पैरामीटर हैं RLC वो हमने कवर कर दिए हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने देखा था चार्जिंग करंट फ्लो करता है अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटेंस जो होता है लाइन का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है, तो वहीं से फेरांटी इफेक्ट आता है। एंड फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होंगे और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। ये इसका एक्सटेंशन वर्जन है, इसके अंदर हम लोग डेरिवेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनको डेरिवेशन सीखना है तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हो। प्लस फेजर डायग्राम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेराइव करना चाहें कि फेरांटी इफेक्ट की वजह, देखो एक्चुअली अगर हम देखें कि पहले समझ लो करना क्या चाह रहे हैं, हमने देखा फेरांटी इफेक्ट क्या होता है। अगर कभी भी सप्लाई वोल्टेज VS से ज़्यादा रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें मिलने लगता है तो इसको नाम दिया गया फेरांटी इफेक्ट। इसको हमने फेरांटी इफेक्ट नाम दिया, कोई फेरांटी साइंटिस्ट थे उन्होंने, इंजीनियर थे उन्होंने इसको नाम दे दिया फेरांटी इफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना वोल्टेज राइज अप होगा, यानी कि डेल वी आर, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज था वो सप्लाई एंड वोल्टेज प्लस डेल वी आर, यानी कि ये वोल्टेज राइज अप हो गया था। नाउ ये कितना राइज अप होगा इसकी हम कैलकुलेशन की डेरिवेशन करेंगे, साथ ही साथ इसको हम लोग, यानी कि डेरिवेशन का मतलब मैथमेटिकली भी इसे निकालने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसे फेजर के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फेजर के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि फेरांटी इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब ये क्या मतलब हो गया, तो अगर हम जनरली अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, जब भी हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लेंगे, ठीक है, याद आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा शॉर्ट में हम लोगों ने लम्ब्ड लिए थे, मीडियम में भी लम्ब्ड से काम चल गया था, लेकिन जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में गए तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लेने पड़े। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो होते हैं वहाँ पे अगर लम्ब्ड ले लोगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तो एरर आ जा रहा था काफ़ी। तो इसके लिए हमने भाई इसका सॉल्यूशन निकाला कि हमने कहा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर एक्यूरेसी के लिए। लेकिन जब भी हम बात करते हैं फेरांटी इफेक्ट की कैलकुलेशन की, अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अब अप्रॉक्सीमेट मॉडल क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट मॉडल के अंदर जो भी मैंने बताया ना लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर लेंगे, तो ये था नॉर्मली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम लोग एग्जैक्ट मॉडल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन जब अप्रॉक्सीमेट मॉडल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लम्ब्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे RLC के, ठीक है, क्लियर हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह लम्ब्ड पैरामीटर ही यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लम्ब्ड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो दैट इज़ द मेन एजम्पशन जो कि हम यूज़ करेंगे जब हम ड्राइव करेंगे फेरांटी इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमने लम्ब्ड पैरामीटर यानी कि RLC लम्ब्ड पैरामीटर यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ हमने करी, अब लम्ब्ड पैरामीटर का यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक मतलब लम्ब्ड पैरामीटर क्या होते हैं कि पूरी लाइन का, जैसे पूरी लाइन देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ कि पूरी लाइन के अंदर इंडक्टेंस इस तरीके से लेंथ वाइज बटा हुआ था, लेकिन लम्ब्ड में क्या करते हैं हम इन सारे इंडक्टेंस को उठा के एक एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि ये नाउ दिस सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट दी कंप्लीट लाइन इंडक्टेंस, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डेट इज़ द थिंग ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हमने करी है, हमने लाइन का जो टोटल इंडक्टेंस है पर यूनिट लेंथ उसको हमने L ले लिया है और उसको L से मल्टीप्लाई कर दिया। L कैपिटल L क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना इंडक्टेंस है इनटू लेंथ कितनी लाइन की, यानी कि यहाँ पे हमने लाइन के लेंथ के इफेक्ट को कंसिडर कर लिया है मल्टीप्लाई करके L से, ठीक है, समझ में आ रही बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई 12 केले यानी कि एक डज़न, वन डज़न केला कितने का है, हमने कहा भैया 20 रुपये का है, तो 20 डजन कितने होंगे, तो 20 × 20 कर लो, सिंपल सा है। तो वही चीज़ यहाँ पे करी गई है, यानी कि एक पर यूनिट लेंथ का इंडक्टेंस कितना L है, और अगर L लेंथ की लाइन है स्मॉल L, ठीक है, इतने लेंथ की लाइन है तो उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज द कंप्लीट लाइन इंडक्टेंस, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंप्लीट, इसको हम कह सकते हैं कंप्लीट लाइन इंडक्टेंस, मतलब पूरी लाइन का जो इंडक्टेंस है वो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हम लोग लाइन के जो लेंथ का इफेक्ट है, यानी कि जो हम ये अभी तक ले रहे थे ना, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग जो लेंथ का इफेक्ट होगा इंडक्टेंस के ऊपर वो एकोमुलेट किया जा सके एक सिंगल एलिमेंट में। तो जैसे जनरली हम लोग L यूज़ करते थे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे हम लोग L इंटू L का, यानी कि लाइन की लेंथ को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है।
तो ये हम लोग अप्रॉक्सीमेट मॉडल में इस तरीके का लम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सेम काम हम रेजिस्टेंस के साथ करेंगे, रेजिस्टेंस इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। यही सेम काम कैपेसिटेंस में करेंगे, यानी अगर पर यूनिट लेंथ में सी कैपेसिटेंस आ रहा है और एल लेंथ लाइन है, तो भाई सी इंटू एल इतने कैपेसिटेंस की टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो भी हम वैल्यू निकालेंगे एल सी आर, उनकी वैल्यू समझ लेना। एल अगर जो निकालोगे वो होगा इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एल हमने जो लाइन का इफेक्ट है लेंथ का उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करा। पहले समझ लो, देखो डेरिवेशन एकदम से स्टार्ट करा दूंगा तो चीज़ें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसीलिए वीक रह जाते हैं। पहले एक ही कॉन्सेप्ट को यार अच्छे समझ लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, पैरामीटर क्या लिया है, क्यों लिया है, ये सारे रीज़न समझ लो यार इसको, ठीक है। और अगर नहीं समझने तो फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे मैंने इसको डेराइव करा हुआ है, तो पहले समझ लो यार हर चीज़, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ यूं ही नहीं स्टार्ट करना चाहता, हर चीज़ के पीछे आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ। तो सी ले लिया हमने, तो सी अगर आप लिख रहे हो तो सी मतलब पर यूनिट लेंथ का कैपेसिटेंस, और लाइन अब लंबी है 600 किलोमीटर की लाइन है, तो इंटू एल कर दोगे तो वहाँ पर तुमने लाइन के लेंथ का इफेक्ट भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही आर हो गया और एल इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो पहले तो ये हो गया। तो भाई हमने सर्किट बना लिया, दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट मॉडल ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये हमने सर्किट बढ़िया से बना दिया लम्ड पैरामीटर यूज़ करके। अब देखो फेरांटी इफेक्ट कब होता है, फेरांटी इफेक्ट की पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि भाई लाइट या नो लोड हो, नो लोड हो तो बहुत ही अच्छा है, रात का समय नो लोड, मैंने बताया था रात के समय में होता है ऐसा, नाइट में, ठीक है। दूसरी क्या कंडीशन होती है फेरांटी इफेक्ट की, कि आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन तो ये हमने ले ली है, अब नो लोड और कंसिडर कर लो। तो होगा क्या, अगर हम इस नॉर्मल सर्किट को देखें तो यहाँ पे क्या है, सेंडिंग एंड से आईएस करंट फ्लो कर रहा है। अब वो दो पार्ट्स में बट रहा है, यानी कि ये जो सेंडिंग एंड जो सप्लाई करंट है उसके अंदर दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो इस चार्जिंग करंट को कह रखा है मैंने आईसी, दिस इज योर चार्जिंग करंट, यानी कि एक कंपोनेंट तो कैपेसिटर को चार्ज करने में लग रहा है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो रिसीविंग एंड की तरफ चला जा रहा है। अब रिसीविंग एंड की तरफ करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ना कोई लोड कनेक्ट है, दिस इज द लोड ऑफ द कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तभी तो ये जा रहा है यार। अब फेरांटी इफेक्ट कब देखने को मिलता है, जब लाइट लोड या नो लोड कंडीशन हो, यानी कि इस लोड को पिक्चर से बाहर कर दो। अगर ये बाहर कर दोगे यानी कि ओपन सर्किट कर दो, अब ओपन सर्किट कर दोगे तो आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो पिक्चर से आई आर बाहर हो गया, तो दिस विल इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में नॉर्मली अगर आई एस की बात करें, आई एस शुड बी इक्वल टू द आई सी प्लस आई आर, ये फेजर सम, ठीक है। अब ये तो पिक्चर से बाहर हो गया बिकॉज ऑफ नो लोड कंडीशन, तो अब आई एस शुड बी इक्वल टू द आई सी, समझ में आ रहा है, दिस वन इज द इक्वेशन। तो अगर फॉर फेरांटी इफेक्ट के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि भाई जो रिसीविंग एंड करंट है वो जीरो हो जाए, बिकॉज क्योंकि हमने लोड को कनेक्ट नहीं कराया, सो डेट इज द केस। तो अब यहाँ से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई कि भैया हमने जो इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहा है आई एस, वो किसके बराबर होगा, वो चार्जिंग करंट शुड बी इक्वल टू द चार्जिंग करंट ऑफ द कैपेसिटर। ओके आगे चलते हैं। अब देखो चार्जिंग करंट कैपेसिटर के बराबर आ गया, इसको वैल्यू निकाल लें। अभी पिछले लेक्चर में जब मैंने जहाँ पे मैंने चार्जिंग करंट कैपेसिटर की कैलकुलेट करवाई थी वहाँ ये चीज़ निकलवाई थी, तो चार्जिंग करंट जो कि इक्वल होगी सप्लाई करंट के, इक्वल टू कितना होगा वीएस। अब देखो यहाँ पे हमें ये निकालनी आईसी की वैल्यू, तो आईसी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल इंपिडेंस, तो टोटल इंपिडेंस कितना हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो टोटल इंपिडेंस आपका कितना निकल के आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी, XL प्लस XC प्लस RL, ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, दिस इज द टोटल इंपिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है कि भैया R जो है रेजिस्टेंस वो बहुत ही कम हो गया कंपेयर टू द XL एंड XC, सीधी सी बात है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो अगर ये नेग्लिजिबल होगा तो पिक्चर से बाहर कर दिया इसे। अब हमारे पास दो वेरिएबल रह गए XL एंड XC, तो अब जो फाइनली जो वोल्ट करंट निकल के आई सप्लाई करंट, दैट इज इक्वल टू द चार्जिंग करंट, और वो निकल के आएगी वी एस अपॉन में XL प्लस XC, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ XL की वैल्यू कितनी होती है, जे ओमेगा एल, ठीक है। अब इनटू लाइन का मल्टीपल आपको लेना है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल, ये एक कंप्लीट कंपोनेंट है, यानी कि जो मैंने अप्रॉक्सीमेट मॉडल लिया है ना, वहाँ पे इंडक्टेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, एल इंटू एल से, सही है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द लाइन। तो इसीलिए हर जगह पे जहाँ एल लिख रहे हो वहाँ पे एल इंटू एल लिखोगे। एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन जे ओमेगा सी होता है, इंटू एल कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ देखो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, तो एक्स एल इक्वल टू जे ओमेगा एल इंटू एल प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी इंटू एल, सो डेट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, अभी दो वेरिएबल थे, ध्यान रखना तीन से दो हो गए। अब देखो एक और इन्होंने एजम्पशन लिया कि भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में और लोड भी जब नहीं कनेक्ट होगा, तो हम सब लोग जानते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है कंपेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, समझ में आ रही बात ये, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन,
जब भी हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, तो सी लगातार बढ़ता जा रहा है, एल भी बढ़ रहा है, पर सी का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। तभी तो यार फेरांटी हो रहा है, तभी तो फेरांटी हो रहा है भाई। अगर एल ही केवल, अगर एल और सी बराबर बढ़ रहे होते तो फेरांटी इफेक्ट क्यों होता? फिर तो एल जितनी रिएक्टिव पावर, अभी पीछे मैंने बताया था ना, एल जितनी रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता उतनी सी रिएक्टिव पावर सप्लाई करता, तो कोई झाड़ी नहीं होता, तो सप्लाई और डिमांड बराबर रहती। हो क्या रहा है कि सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है, सही में समझ में आ रही है, सी ज़्यादा सप्लाई कर दे रहा है कंपेयर टू द एल जितनी एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब सी ज़्यादा सप्लाई कर रहा है तो जो रिएक्टेंस है एक्सी वो ज़्यादा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू द एल, तभी तो फेरांटी हो रहा है। सो डेट इज़ वाई अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पिक्चर से बाहर कर देंगे। तो अगर एक्सएल प्लस एक्सी को देखें तो ये कंपेयर, इसके कंपेरिजन में ये चीज़ कम है, तो हमने इसको भी पिक्चर से बाहर कर दिया। तो अब क्या बचा, एक्सी बचा। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। आईसी यानी कि जो चार्जिंग करंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई एक्सी। अब एक्सी हमें पता है 1/j ωCL, तो इसको सॉल्व कर दिया तो j ωCL × Vs। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्जिंग करंट होगा, चार्जिंग करंट सॉरी सप्लाई करंट होगा नो लोड कंडीशन में, जिसकी वजह से फ्रंट इफेक्ट हो रहा होगा, वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा चार्जिंग करंट में, केवल और केवल चार्जिंग करंट फ्लो कर रही होगी। और देखो ऐसा हो भी रहा है, आपने देखा होगा पीछे LRC, ठीक है समझ में आ रही बात ही है। तो देखो मेनली जो करंट फ्लो करेगा वो बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर फ्लो कर रहा है, समझ में आ रही है, क्योंकि सर्किट तो ओपन है। देखो याद करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में जब मैंने जान चार्जिंग करंट वाला जो दो लेक्चर लिए हैं उसके अंदर मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था कि भैया चार्जिंग करंट जो होता है वो नो लोड कंडीशन में ही फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द लाइन कैपेसिटेंस। तो लाइन की कैपेसिटेंस अगर है तो वहाँ चार्जिंग करंट, जैसे कोई कहे ना कि यार सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो करेगा, तो तुम्हारा आंसर होता है नहीं सर, सर्किट ओपन है करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ओपन है, ओपन लोड, ओपन सर्किट है, मतलब लोड नहीं कनेक्ट है, तो क्या करंट फ्लो करेगा, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप कहोगे यार सर करंट फ्लो करेगा, कौन सा करंट, चार्जिंग करंट फ्लो करेगा। तो ये हमने लेक्चर में सीखा था, ठीक है, पुराने लेक्चर में चीज़ कवर करी थी हमने, बड़ी डिटेल में सीखी थी। तो यहाँ पे क्या करा है, यही चीज़ का इस्तेमाल। तो देखो सेम वही वैल्यू निकल के आई है जो हमने चार्जिंग करंट की निकाली थी इन केस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर नो लोड की कंडीशन में जो चार्जिंग करंट होती है वही सप्लाई करंट के बराबर हो जाती है। तो ये फॉर्मूला हमने पुराने लेक्चर में भी देखा था। अच्छा एक चीज़ याद करो, चार्जिंग करंट की जब मैंने फीचर्स बताए थे, मैंने बताया था ये प्योरली कैपेसिटिव होगी, ये आपको बताया था, और इसको हमने चार्जिंग करंट का नाम दे दिया। तो आईसी यानी कि अगर हम बात करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन नो लोड का केस, तो ऐसे केस में जो भी सप्लाई करंट मांगी जाएगी, सप्लाई से करंट मांगी जाएगी, वो मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होगी चार्जिंग करंट के, इसीलिए। और चार्जिंग करंट क्योंकि किस लिए यूज़ हो रही है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कैपेसिटर, तो इसीलिए ये क्या होगा, लीडिंग होगी, प्योरली लीडिंग करंट फ्लो करेगी, प्योरली लीडिंग यानी कि 90 डिग्री लीडिंग करंट, समझ में आ रही बात ये। सो दिस शुड बी द केस। नाउ अब चलते हैं, अब इसको यहीं रख दो, इसको यहीं रख दो, आगे चलते हैं, अब फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वापस से अपने सर्किट पे आ जाते हैं, ये हमारा सर्किट है। अच्छा एक बात बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देखो, जनरली अगर हम केवीएल केसीएल सिंपली लगा रहे हैं, भाई ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है वीआर, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज भी वीआर होगा। तो इस कैपेसिटर को पिक्चर से बाहर कर दो, अगर केवल ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है, बस ये दो पॉइंट, तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकते हैं। हालांकि जब कब जब IR इक्वल टू जीरो है, हमने मतलब ये मान लिया कि कोई लोड तो कनेक्ट ही नहीं ट्रांसमिशन लाइन से, यानी कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और ओपन सर्किटेड, समझ में आ रही क्या चीज़ ली है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एंड ओपन सर्किट कंडीशन, यानी कि कोई लोड नहीं कनेक्ट है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इस मॉडल को, इस पूरे सर्किट को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ बहुत ही इजीली, क्योंकि कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज VR होगा, तो यहाँ वाला पॉइंट कंसीडर कर लोगे तो दिस शुड बी द VR। तो अब देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, Vs-VR, ठीक है, Vs-VR डिवाइड बाई यहाँ पे देख लो XL jXL प्लस RL, दिस शुड बी द केस, समझ में आ रही बात है। और ये कितनी करंट फ्लो करवाएगा, IC, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होगी सप्लाई करंट के, समझ में आ रहा है। तो दिस शुड बी द केस। अब इस इक्वेशन को अगर इधर विधर कर लो तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, यानी कि जो सप्लाई एंड का जो वोल्टेज है वी एस इक्वल होगा रिसीविंग एंड के वोल्टेज के प्लस जे आई सी एक्स एल के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस ये रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, दिस इज वॉट वी कॉल्ड रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, एंड दिस शुड बी द रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, समझ में आ रही बात है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फेजर डायग्राम बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो अब फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे, तो हमें क्या होता है, हमेशा जब भी आपको फेजर डायग्राम बनाना हो, बेस वोल्टेज पकड़ लो और उसमें इसको और इसको ऐड कर दो। तो बेस वोल्टेज कितना है, बेस वोल्टेज हमने पकड़ ली वी आर, तो दिस शुड बी द वी आर, इसको मैंने रेफरेंस ले लिया, ये हमारा ये हो गया रेफरेंस, समझ में आ रही बात है। देखो दिस शुड बी द रेफरेंस,
ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या ऐड करना है, अब इसके अंदर हमें ऐड करना है ICRL, ठीक है। अब देखो वोल्टेज तो बना दिया, अब हमें बनाना होगा करंट IC। अब IC मैंने अभी बताया था, IC जो चार्जिंग करंट, IC क्या निकल के आई थी, चार्जिंग करंट। और हमने देखा था जो चार्जिंग करंट होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री लीड करेगी, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव करंट है। चार्जिंग करंट इज प्योरली कैपेसिटिव करंट, प्योरली कैपेसिटिव है। अब प्योरली कैपेसिटिव है तो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगी। सही है, समझ में आ रही सारी चीज़ें, देखो लिंक हो रही होंगी, कोई भी चीज़ आपको डाउट में नहीं छोड़ूंगा मैं, हर चीज़ का बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। तो प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली कैपेसिटिव 90 डिग्री लीडिंग होगी, किससे 90 डिग्री लीडिंग होगी, वोल्टेज से, जो भी हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज हमने लिया है VR, तो इससे क्या होगा, 90 डिग्री लीडिंग करंट हो गई IC। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, 90 डिग्री लीडिंग बना दी। अब 90 डिग्री लीडिंग बनाने के बाद अब हम करेंगे सबसे पहले ICRL को इसमें शो, दिस शुड बी द वोल्टेज ड्रॉप, वही बताया ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब देखो जब भी आपको याद रखना होगा, ये जब भी होगा तो RL का जो वोल्टेज, जो IC की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो इन सेम फेज होगा करंट के। ठीक है, तो ये हो गया करंट IC, तो इसी के सेम फेज में होगा, तो ICRL देखो सेम फेज में बना दिया भैया। ठीक है, याद है आपको फेजर डायग्राम में हमेशा मैं बनाता आता हूँ, तो जब भी हम बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप तो ये सेम फेज में होगा करंट के, जो भी करंट फ्लो कर रही होगी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमने सेम फेज में बना दी करंट और वोल्टेज, तो ये आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं ये, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, यानी कि रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पे देखो प्लस जे लिखा हुआ है, प्लस जे का मतलब हो गया ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंडक्टर, बहुत ध्यान समझो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस जे, प्लस जे का मतलब कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस एल वो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा, प्लस जे है ना, तो 90 डिग्री लीड करेगा फ्रॉम किससे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। समझ में आ रही बात है, यानी कि ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप है जिसमें कोई जे नहीं लिखा हुआ, इससे 90 डिग्री ये 90 डिग्री लीड करेगा। समझ में आ रही बात है, तो भाई सही है, इससे 90 डिग्री लीड करवा दो, दिस शुड बी द 90 डिग्री एंगल, और ये हो गया इसका लीडिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री लीडिंग यहाँ पे मैंने बना दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे ICXL आ जाएगा। अब देखो यहाँ जे मत लगा देना यार, देखो जे क्यों लगाते हैं, जे दिखाता है कि आपका इमेजिनरी एक तो टर्म ये दिखाता है, दूसरा ये दिखाता है 90 डिग्री लीडिंग, या अगर प्लस है तो 90 डिग्री लीडिंग और माइनस जे है तो ये दिखाता है 90 डिग्री लैगिंग। तो अगर आप 90 डिग्री लीडिंग को शो कर दे रहे हो तो जे नहीं लगाओगे, और अगर 90 डिग्री लीडिंग नहीं करा ऐसे बनाते तो हम जे लगा देते, तो हम लिख देते जे ICXL। समझ में आ रही बात है, तो कभी भी अगर आपने जे लगा रखा है, तो अगर अगर जे लगाया है तो फिर फेजर डायग्राम बिल्कुल सीधा बनेगा, और अगर आपने जे नहीं लगाया है तो फेजर डायग्राम में 90 डिग्री, मतलब फेजर डायग्राम में जब 90 डिग्री शो कर दिया है कि 90 डिग्री लीड कर तो दिया यार, देखो ना दिस शुड बी द 90 डिग्री लीडिंग, ये देखो क्या दिखा दिया, ये 90 डिग्री लीडिंग है ना, इससे इससे 90 डिग्री लीड करा दिया है, तो जब लीड करा दिया तो जे क्यों दिखाओगे यार। इसीलिए हम लोग याद रखना कभी भी फेजर डायग्राम के अंदर जे नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही वाली बात हो गई, हम लिख रहे हैं प्लस थ्री और माइनस फोर, तो या तो माइनस फोर यहाँ लिख लो आई, अगर जैसे आई इक्वल टू माइनस फोर दे रखा है और ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है 4 एम्पियर, देखो बहुत समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझो। फॉर एग्जांपल दिस इज योर सर्किट, अब सर्किट के अंदर हमने दे रखा है कि भैया यहाँ पे 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आई और आई है, ठीक है, अब आई इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस फोर एम्पियर, ठीक है, तो अगर तुमने या तो यहाँ पे इसको, अब इसको क्या लिख सकते हो, या तो ये माइनस फोर एम्पियर ऐसे लिख लो, ठीक है, समझ में आ रही बात है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख लो माइनस फोर, या फिर क्या करो इसको प्लस रखो और आई की डायरेक्शन को रिवर्स करके ये बना दो, दिस शुड बी द सेम मीनिंग, लेकिन दोनों चीज़ें नहीं करोगे, समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो या तो आई की डायरेक्शन, जैसे आई का माइनस फोर का क्या मतलब है भाई, करंट नेगेटिव थोड़ी होती है, करंट नेगेटिव का मतलब हो गया डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, तो या तो डायरेक्शन को रिवर्स कर लो और करंट को पॉजिटिव रहने दो, अगर करंट को नेगेटिव लिखना है तो डायरेक्शन सेम मेंटेन रखो, सो दैट इज द केस, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बताना, बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ कॉन्सेप्ट भी कवर कर देंगे हम लोग आने वाले समय में, ठीक है। सो ये हो गया, अब इसका फेजर डायग्राम समझ में आ रहा है, तो देखो VR प्लस ICRL इन द सेम फेज विद IC, देन 90 डिग्री लीड करेगा ये वाला वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टेंस हो गया वो हमने बना दिया। अब इन सब को जोड़ता हुआ क्या बनेगा, इन सब को जोड़ोगे तो सप्लाई वोल्टेज, तो दिस शुड बी द सप्लाई एंड वोल्टेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है, दिस इज द, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज योर फेजर डायग्राम ऑफ फेरांटी इफेक्ट। अगर कोई तुमसे कह दे फेरांटी इफेक्ट का फेजर डायग्राम बना दो, तो वहाँ पहला जो लाइन आपकी लेक्चर की मैंने शुरू करी है वहाँ से लेके यहाँ तक लाओगे और ये डायग्राम बना दोगे, समझ में आ रही बात है, तो दिस शुड बी द फेजर डायग्राम ऑफ फेरांटी इफेक्ट। अब देखो फेजर डायग्राम अगर फेरांटी इफेक्ट का बड़े ध्यान से देखो तो ये क्या दिखा रहा है, ये VS है, अब VS देखो ये है और VR कितना बड़ा है,
यानी कि ऑब्वियस ही बात है वी एस से बड़ा है वी आर, तो यही तो होता है फेरांटी इफेक्ट, यही तो फेरांटी इफेक्ट है, समझ में आ रहा है, दिस इज योर फेरांटी इफेक्ट। तो फेरांटी इफेक्ट क्या था, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होगा सप्लाई एंड से, और देखो फेजर डायग्राम भी यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो भैया जब भी कोई तुमसे कहे कि फेजर डायग्राम बनाओ, तो फेजर डायग्राम से भी देखो ध्यान रखा करो, आप फेजर बनाओ, आप मैथ्स बनाओ, फिजिक्स जस्टिफाई होनी चाहिए, फिजिक्स कह लो या साइंस शुड बी जस्टिफाइड, मतलब तुम्हारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तुम्हारा जो फेजर निकल के आ रहा है, वो 100% तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है उसको मैच करना चाहिए। तो फरांटी इफेक्ट अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो 100% वी आर की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी वी एस से, अगर नहीं आएगी तो फरांटी इफेक्ट कहाँ हो रहा है भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो आई होप फेजर डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं, अब डेरिवेशन कर लेते हैं कि हमने देखो यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने इस फेजर डायग्राम ने सफिशेंटली इन्फॉर्मेशन दे दी कि वी एस से ज़्यादा होगा वी आर, पर कितना ज़्यादा होगा, यानी कि अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, उसके लिए हमें करना पड़ेगा मैथमेटिकल डेरिवेशन, वो कर लेते हैं। तो वापस इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये वाली इक्वेशन जो है इसी को बना लो। तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम लिखें इस वाली, अरे रुको समझा देता हूँ, ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें क्या करो, वी आर को यहीं रहने दो और इस टर्म को इधर ले जाओ और इस टर्म को भी इधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी वी आर इक्वल टू वी एस माइनस, आ गया ना यहाँ पे, इनको इधर से इधर शिफ्ट करा इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस जे आई सी एक्स एल माइनस आई सी आर एल, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले ले रहे हैं, जैसा कि हर बार कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है इसको ले लो नेग्लिजिबल, क्योंकि ये कंपैरिजन में एल के काफ़ी कम है, तो एक्सएल के कंपैरिजन काफ़ी कम है, तो रेजिस्टेंस को पिक्चर से बाहर कर दिया। अब बचे इतनी सी इक्वेशन, तो वी आर इक्वल टू वी एस माइनस जे आई सी एक्सएल। अब देखो ये आई सी है, अभी थोड़ी देर पहले आई सी की बढ़िया सी इक्वेशन हमने निकाली थी, कितनी, जे ओमेगा सी इंटू एल इंटू वी एस निकाली थी ना अभी पीछे हम लोगों ने, वो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, फटाक से इसे पुट कर दो तो क्या निकल के आएगा, तो वी आर इक्वल टू, अगर हम इसको पुट करेंगे तो वी आर इक्वल टू वी एस माइनस जे ओमेगा सी एल इंटू वी एस, ठीक है। अब एक्सएल लिखा हुआ है, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एक्सएल भी तुम्हें पता होना चाहिए, ओमेगा एल इंटू एल जे ओमेगा एल इंटू एल, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू पाई एफ, नहीं ऐसे चलो ओमेगा में रहने दो, जे ओमेगा एल इंटू एल लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इस एक्सी को जे ओमेगा एल इंटू एल इसको यहाँ रख दिया, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देखो आई सी की वैल्यू जो थी उसे यहाँ रखा, एक्सएल की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, जे ओमेगा एल इन टू एल, उसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये दोनों इक्वेशन है यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब भाई जे और जे तो क्या बना, यानी कि इन सबको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इक्वेशन निकल गई वी आर इक्वल टू वी एस माइनस जे स्क्वायर आएगी, ठीक है, देखो जे और जे, ओमेगा स्क्वायर आएगी ओमेगा ओमेगा, एल स्क्वायर आएगी एल और एल, ठीक है, एंड सी और एल सिंगल सिंगल आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब देखो भैया जे स्क्वायर जो होता है वो होता है माइनस वन, ये हम सबको फिजिक्स में पता है, साइंस में मैथ्स में सब में हमने सीखा हुआ है, तो जे स्क्वायर इक्वल टू हो गया माइनस वन, तो ये जब माइनस वन हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से पिक्चर चेंज हो गई और वी एस प्लस आ गया भैया, माइनस की जगह प्लस आ गया, और जब ये प्लस आ गया तो बची इक्वेशन क्या बची, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी एल, तो देखो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी एल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या देखा भैया, यहाँ से हमने देखा कि जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होगा वो सप्लाई एंड के वोल्टेज के बराबर तो होगा ही होगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी एल इतना मैग्नीट्यूड का बूस्ट होगा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा बूस्ट वोल्टेज, बूस्ट और स्वेल, ये तुम्हारा फूल गया वोल्टेज, समझ आ रहा है, और दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेल वी आर, रिसीविंग एंड में जो स्वेलिंग आएगी वोल्टेज की वो आएगी यहाँ पे डेल वी आर, और यही स्वेलिंग जो होगी इसी की वजह से वी आर ग्रेटर हो जाता है वी सप्लाई से, डेट इज द फेरांटी इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू मैंने निकाली थी, तो ये डायरेक्टली मैंने यूज़ करी थी पुराने लेक्चर में, फेरांटी इफेक्ट जब बताया था, तो ये हो गया उसका डेरिवेशन। अभी पिछली स्लाइड में हमने इसका फेजर डायग्राम भी सीख लिया, तो आई होप मजा आया होगा।